हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिर्फ दो आलू से ये नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम समय में ये टेस्टी चटपटा सा नाश्ता बन जाएगा। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ नया और यूनिक बना के देना चाहते हैं तो आप इस नाश्ते को एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसे बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। इसे बनाने के लिए हमने दो आलू लिया है। आलू को हमने पहले उबाल लिया था और इसे छील लिया है। आलू हमारी अभी ठंडी हो चुकी है, तो जब आलू आपकी ठंडी हो जाए और इसके जो भाप निकल जाए तो आप आलू को पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लीजिए, ताकि आलू के कोई भी बड़े चंक्स इसमें ना रहे। आप इसे कद्दूकस नहीं करिएगा। अगर आप इसे कद्दूकस करोगे तो आलू यहाँ पर हल्की सी लिक्विडी हो जाएगी और थोड़ी सी गीली हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसे पोटैटो मैशर से मैश करेंगे। आप इसे चाहे तो अपने हाथों से भी तोड़ सकते हो या किसी ग्लास से इसे अच्छे से मैश कर सकते हो। तो एक स्पून ले लीजिए और स्पून से एक बार इसे मिक्स कर दीजिए और चेक कर लेते हैं कि आलू के कोई बड़े पीसेस इसमें ना हो। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इसमें चाट मसाला। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। आलू के नाश्ते में बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसके जगह अरारोट ले सकते हो या आप चावल का आटा भी ले सकते हो। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अपने हाथों से, तो जैसे हम आटा लगाते हैं हमें उसी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट आलू का यहाँ पे डो लगा के तैयार करना है। अच्छे से आप मैश कर लीजिए। और यहाँ पे आलू का हमने डो लगा के तैयार कर लिया है। अगर ये हाथों में थोड़ा सा चिपके तो आप हल्का सा तेल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आलू का हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए इसकी स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 चम्मच मैदा और 2 भर के चम्मच हमने मैदा का लिया है। अगर आप मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा ले लीजिए। 1 चुटकी नमक डाल दीजिए और 1/4 चम्मच यहाँ पे हम इसमें चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसके जगह अमचूर का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका लिक्विड बना के तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे स्लरी ज़्यादा पतली नहीं करनी है, बस इतनी करनी है कि स्पून से अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी मैदा की स्लरी बन के तैयार है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पे स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल के गर्म होते ही इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। जीरा जब पक जाएगा तो हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है हमने, इसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को कुछ सेकंड हम यहाँ पे तेल के साथ फ्राई करेंगे और इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। जब प्याज हल्का सा पक जाए और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पक जाए तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। तो 2 हरी मिर्च है हमारे पास, जिसे हमने बारीक काट के डाला है। हरी मिर्च को भी प्याज के साथ पका लीजिए और धीमी आंच कर दीजिए, ताकि ये प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल भी जले नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर शिमला मिर्च डाल देंगे जिसको हमने बारीक काट के लिया है, और गाजर को हमने कद्दूकस करके लिया है। आप अपने पसंद से कोई भी सब्जियाँ इसमें ले सकते हो। जो सब्जी आप लाइक करते हो आप उसे ले सकते हो। और इसे हम 2 मिनट तक धीमी आंच पे सब्जियों को क्रंची होने तक पका लेंगे। सब्जी के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है हमें इसे तब तक पकाना है कि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमने सब्जी को पका लिया है। सब्जी हमारी यहाँ पर आधी पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने कुछ मसाले, जिसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हो। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। ध्यान रहिएगा कि नमक हमने आलू के अंदर भी डाला था, इसलिए स्टफिंग में नमक कम ही डालें। 1 मिनट तक मसालों को धीमी आंच पर हमने पका लिया है। इसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को हम हाथों से तोड़ के डालेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन जब आप हाथों से तोड़ के डालोगे तो पनीर के जो भी बड़े बड़े पीस हैं ये इस नाश्ते में काफ़ी बढ़िया खाने में लगते हैं। तो हम इसमें पनीर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते हो तो आप इसके जगह फूल गोभी ले सकते हो या पत्ते वाली गोभी भी ले सकते हो।
लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाला डाल के मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी ये हमारी पनीर की स्टफिंग बनी है और बहुत ही हेल्दी है। तो लास्ट में हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और फिर से एक बार इसे मिला लेंगे। जब भी आप धनिया डालें तो लास्ट में गैस पहले बंद कर दीजिए, इससे धनिया का कलर हरा बिल्कुल बरकरार रहता है। तो यहाँ पे पनीर की हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। तो हम इन्हें प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने नाश्ते बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए जो हमने आलू का यहाँ पे मिश्रण बनाया था, इसे हाथों से अच्छे से फैला लीजिए और इसके बाद जो हमने पनीर की स्टफिंग रखी थी इसके बीच में आप रख दीजिए। 1 से 2 चम्मच आप स्टफिंग भरेंगे और इससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। जितनी आप स्टफिंग पसंद करते हो आप अपने हिसाब से 2 से 3 चम्मच भर सकते हो। हमने यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे पनीर की स्टफिंग भर दी है और बहुत ज़्यादा ओवर आप इसे ना करें, नहीं तो ये हल्का सा फटने लगेंगे। 2 बड़े चम्मच स्टफिंग भर के हम इसे अच्छे से मोड़ देंगे, जैसे पराठा हम बनाते हैं बस उसी तरीके से, और ऊपर से इसे पैक कर दे ताकि ये कहीं से खुले नहीं। अब हथेली की मदद से इसे अच्छे से हल्के से दबा दीजिए ताकि जो हमने स्टफिंग डाली हुई है वो अच्छे से फैल जाए। और देखिए यहाँ पे हमने एक नाश्ता बना लिया है। इसी तरीके से हम अपने सभी नाश्ते बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे प्लेट में रखेंगे और सभी नाश्ते हमने बना लिया है। अब जो हमने यहाँ पे मैदे का घोल बनाया था उसमें हम इस नाश्ते को डिप करेंगे और दोनों साइड एक यहाँ पे मैदे की लेयर लगाएंगे। इससे ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और कुरकुरा बनेगा। आप इसके जगह आप चाहो तो अरारोट की भी यहाँ पे स्लरी बना सकते हो या आप गेहूं के आटा ले सकते हो। तो अब हमने पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके अपने सभी नाश्ते को तेल में डाल देंगे। पैन में जितनी जगह हो एक साथ उतने ही डालें, ज़्यादा आप ना डालें नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और यहाँ पे सभी नाश्ते डालने के बाद हम इसके ऊपर गरम गरम तेल डालेंगे जिसकी वजह से ये दोनों तरफ पक जाएंगे। और जब एक तरफ पक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। इसी तरीके से दोनों साइड हम इसे यहाँ पे पका लेंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है, आप देख सकते हो। देखने में काफ़ी टेम्टिंग लग रहा है और खाने में तो ये टेस्टी है ही है। हमने इसे पनीर से बनाया है, आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो। तो जब ये दोनों साइड अच्छे से पक जाए और अंदर तक पक जाए तो हम इन्हें तेल में से बाहर निकालेंगे। जो भी इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा तेल है उसे निकल जाने दें और इसे प्लेट में निकाल के रख लीजिए। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए नाश्ते भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे और जब ये पक जाएंगे तो उन्हें तेल में से बाहर निकाल के प्लेट में रख देंगे। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म सिर्फ 2 आलू से ये गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता बन के तैयार है। देखने में जितना यूनिक लग रहा है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाएं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बना है पनीर, हम सभी की फेवरेट होती है। बच्चों को इस तरीके से बना के दे तो आप उन्हें यहाँ पे पराठा रोटी देना भूल जाओगे। तो जब भी भूख लगे आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बेहद सॉफ्ट है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। बाय।